warm good morning students. So today we are going to start our new chapter in English, which is chapter number 5, mini moth search for colors. So सबसे पहले, do you know what is a moth? Moth जो होता है वो छोटे छोटे कीट पतंगे आपने उड़ते हुए देखे होंगे ना, moth वो होती हैं, ठीक है. ये एक moth की स्टोरी है जिसका नाम है मिनी, ठीक है. और वो सर्च कर रही है, यानी वो ढूंढने निकली है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, रेड ब्लू ब्लैक, आप कलर्स के बारे में तो जानते ही हैं. तो वो एच से ही कुछ कलर्स की तलाश में निकली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है, इन विच देयर आर पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स एंड ऑल्सो देयर आर पिक्चर ऑफ सम बैकग्राउंड्स. कुछ एनिमल की पिक्चर के साथ साथ कुछ बैकग्राउंड भी दिए हुए हैं आपको. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, जो अपनी बॉडी के कलर को यूज करते हैं अपने एनिमीज से छुपने के लिए. अब वो कैसे यूज करते हैं इसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक टिड्डे की हम बात करें, ग्रीन कलर का होता है टिड्डा, वो कहाँ रहता है, जनरली वो लीव्स में रहता है, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लीव्स का कलर भी ग्रीन है और वो टिड्डा भी ग्रीन कलर का है, तो जो भी एनिमल या जो इंसेक्ट या यू कैन से जो भी बर्ड उसको खाता है, वो उसे पहचान ही नहीं पाता, यू कैन से ढूंढ ही नहीं पाता, ठीक है. तो देयर आर सम एनिमल बर्ड एंड इंसेक्ट विच यूज देयर कलरिंग टू मर्ज इन टू देयर बैकग्राउंड सो दैट एनिमीज विल नॉट नोटिस दैम, जिसकी वजह से उनके एनिमीज जो हैं या उनके जो प्रेडिटेटर है, जो उन्हें खा सकते हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाते और ढूंढ नहीं पाते. दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज अ लायन, तो लायन की जो कलरिंग है दैट इज अ ब्राउन, ब्राउन टाइप की कलरिंग है ना, तो ये किस में मर्ज हो पाएगा इजिली. सेकेंड पिक्चर से आप इसको मैच करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर एक पोलर बियर दिया हुआ है, पोलर बियर व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट कलर किस में मर्ज होगा, स्नो के बैकग्राउंड में. देखिए यहाँ सारे में स्नो है, तो इसमें इसको पहचान पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. सिमिलरली देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ स्पॉटेड लेपर्ड, लेपर्ड इसकी मैचिंग आप करेंगे फोर्थ वन से. एंड द लास्ट वन इज अ स्टिक पग, देख रहे हैं आप कितना पतला है ये, बिल्कुल एक पतली स्टिक डंडी की तरह, और इसका कलर भी बिल्कुल ग्रीन है, तो ये ग्रीन कलर की लीव्स में इजीली मर्ज हो जाएगा. मर्ज हो जाएगा मतलब उसमें घुल मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसमें एक मौत है, यानी एक पतंगा है, पतंगे है छोटा सा, जो ढूंढने निकला है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. आप देख रहे हैं पिक्चर में छोटा सा पतंगा मौत दिखाया गया है, ठीक है. इसको देख रहे हैं हम कितना डल और कितना ज़्यादा कलरलेस है, तो इसी चीज़ को लेकर ये बहुत परेशान थी कि मैं इतनी कलरलेस क्यों हूँ, क्यों मेरी बॉडी पे ब्राइट कलर्स नहीं है जैसे बाकी बर्ड्स और इंसेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है. सो लेट अस सी फाइनली क्या होता है इसके साथ. वन डे अ बटरफ्लाई केम एंड पर्च्ड ऑन अ लिली इन द गार्डन वेयर मिनी मॉथ लिव्ड. द बटरफ्लाईज विंग वर पर्पल येलो एंड रेड एंड एज शी फ्लटर्ड देम दे ग्लोड इन द सनलाइट. द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी दैट ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन नॉडेड देयर हेड्स ईगरली एंड अर्ज द बटरफ्लाई टू कम एंड सिट ऑन देयर पेटल्स. तो एक दिन क्या होता है, जहाँ पर ये मॉथ रहती थी ना, वहीं पर एक प्यारी सी सुंदर सी बटरफ्लाई आती है. वो कौन सा गार्डन था, वो एक प्यारा सा गार्डन था और वहाँ पर एक लिली का फ्लावर होता है जिसपे मौत जनरली रहती थी. तो वो बटरफ्लाई भी वहीं पर आकर बैठती है, और आप देख रहे हैं बटरफ्लाई कितनी कलरफुल लग रही है, उसकी येलो पर्पल और रेड कलर के प्यारे प्यारे विंग्स हैं, और वो क्या करती है अपने विंग्स को जैसे फ्लटर्ड करती है, फ्लटर्ड मीन्स लहराती है, तो वो सनलाइट में ग्लो करने लग जाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो और ज़्यादा चमकते हैं. इसकी वजह से बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और बाकी सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो सोचते हैं अच्छी बात होगी ना अगर ये बटरफ्लाई हम पर आकर बैठे, ठीक है. और सम आफ्टर अ वाइल द बटरफ्लाई फ्लू टू अ ब्राइट पिंक जीनिया, और फाइनली जो बटरफ्लाई होती है वो जाकर एक जीनिया, एक फ्लावर का नेम है ये, एक अमेरिकन फ्लावर है ये, देख रहे हैं आप पिक्चर में, इस पर जाकर बैठ जाती है. मिनी मॉथ वॉज सिटिंग ऑन जीनिया स्टेम बट शी वॉज सो क्वाइट दैट द बटरफ्लाई डिड नॉट नोटिस हर. अब वहीं पर पास में मिनी मॉथ भी बैठी हुई थी, लेकिन वो इतनी चुप थी कि बटरफ्लाई ने उसको नोटिस ही नहीं किया, मतलब बटरफ्लाई ने देखा ही नहीं कि वहाँ कोई और भी है. तो फिर क्या होता है, बट वेन मिनी फ्लैप्ड हर विंग्स द बटरफ्लाई स्पॉटेड हर. तो एकदम से वो मॉथ भी अपने पंख फड़फड़ाती है जिससे बटरफ्लाई उसको देख पाती है,
और फिर उससे क्या कहती है, हेलो, सेड द बटरफ्लाई विद अ स्माइल। बटरफ्लाई प्यार से मुस्कुराते हुए उसको हेलो कहती है। आई एम बेटी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का नेम होता है बेटी। व्हाट्स योर नेम? एज सून एज मिनी टोल्ड हर, द बटरफ्लाई आस्क्ड मिनी क्यूरियसली, व्हाई आर योर बॉडी एंड विंग्स सच अ डल ब्राउन मिनी? हैव यू लॉस्ट योर कलर्स? बेटी रेज हर विंग्स प्राउडली एंड शोड ऑफ हर कलर्स फुल विंग्स। तो अब जैसे वो उसके मिनी से उसका नाम पूछती है, उसके बाद वो बटरफ्लाई पूछती है उससे क्यूरियसली, मतलब उत्सुकता से, बहुत ही एक तरफ से जिस चीज़ को हम जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ठीक है। तो उससे कहती है, एक बात बताओ, तुम्हारी ये बॉडी इतनी कलरलेस, मतलब बिना रंगों की, और इतनी डल सी क्यों है, और तुम ऐसे डल ब्राउन कलर के हो, क्या तुम्हारे कलर्स कहीं खो गए हैं? अब जब बेटी ने ये क्वेश्चन पूछा तो बेटी बड़ी खुश थी अपने विंग्स और अपने इन प्यारे कलर्स की वजह से, ठीक है। तो अब फिर मिनी क्या आंसर करती है, मिनी कहती है, आई हैव नेवर हैड एनी कलर्स। वो कहती है, मैं तो कभी कलरफुल थी ही नहीं, मेरे पास कोई कलर्स थे ही नहीं। आई हैव बीन दिस वे एवर सिंस आई केम आउट ऑफ माई कोकून। मैं तो जब से अपने कोकून से बाहर निकली तब से मैं ऐसी ही थी। कोकून, स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपने देखा होगा एक बटरफ्लाई जो होती है, जब बटरफ्लाई एग देती है, एग में से फूट के एक वो निकलता है कैटरपिलर, उसके बाद वो अपने अराउंड एक छोटा सा, यू कैन से, एक रैप कर लेता है अपने आप को कोकून के अंदर, और उसके अंदर से निकलती है, ठीक है। तो वो कहता है कि यू कैन से जब से मैं पैदा हुई, मैं तो तभी से बिना कलर के, और यू कैन से ब्राउन कलर की ही थी। आई एम ग्लैड आई डोंट लुक। अब इस बात पे बेटी कहती है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम्हारी तरह डल नहीं दिखती। आई एम सो प्रिटी दैट एवरी फ्लावर इन दिस गार्डन वॉन्ट मी टू सिट ऑन इट। मैं इतनी प्यारी और इतनी सुंदर हूँ कि इस गार्डन के सभी फ्लावर्स चाहते हैं कि मैं जाकर उन पर बैठूँ। इट मस्ट बी ऑफुल टू बी एज प्लेन एंड अनअट्रैक्टिव एज यू आर। और ऑफुल मीनिंग होता है बहुत बुरा। तो वो उससे कहती है, तुम्हें भी बहुत बुरा लगता होगा ना कि जैसे तुम प्लेन हो और अनअट्रैक्टिव, मतलब बिल्कुल बदसूरत से दिखते हो। Now till this time Minnie the moth had not thought about her appearance at all and had been quite content with her life in the garden. अब जब बेटी ने ये सब बोला, उससे पहले तक मिनी को अपने कलर या अपनी बॉडी शेप को लेकर कुछ ऐसी फीलिंग आई ही नहीं थी। लेकिन अब उसे जब ऐसा बोला गया तो मिनी को भी बड़ा बुरा लगा कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं, और उसको भी लगने लगा कि क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा कलरलेस हूँ, मैं इतनी बुरी लगती हूँ। बट बैटीज स्कॉर्नफुल वर्ड कैप्ट रिंगिंग इन हर माइंड ओवर एंड ओवर अगेन। और बैटी ने जो तिरस्कार, मतलब उसकी बेइज्जती के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए थे, वो सब मिनी मौत के माइंड में घूम रहे थे और वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। सो शी वेंट टू अ लिटिल पिडल एंड कॉर्नर इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड लुक्ड इनटू इट टू सी हरसेल्फ। तो अब वहीं पास में एक छोटा सा, यू कैन से, पोखर जो होता है, जब बारिश का पानी होता है तो वो कहीं इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे ही पानी में जाकर वो अपने रिफ्लेक्शन को, मतलब उस पानी में अपनी शक्ल देखती है। तो उसे भी रियलाइज होता है, मिनी भी सोचती है, हाँ बटरफ्लाई बैटी ने तो बिल्कुल सही कहा, मैं कितनी कलरलेस दिखती हूँ, मेरे पास तो कोई कलर ही नहीं है, और मैं कितनी डल और अनअट्रैक्टिव सी लग रही हूँ, मतलब मैं बेटी की तरह बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। आई लुक वेरी डल एंड प्लेन बिकॉज आई हैव नो कलर्स ऑन माई बॉडी और विंग्स। आई मस्ट डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ प्रिटियर। और फिर वो सोचती है कि मुझे अब अपने आप को प्रिटी यानी सुंदर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मिनी बिगेन टू थिंक हार्ड एंड आफ्टर सम टाइम, वो बहुत ज़्यादा सोचती है मिनी, मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं और सुंदर बन जाऊँ, मैं भी बेटी की तरह कलरफुल लगूँ। तो फाइनली उसको एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या था, वो क्या करती है, शी वुड आस्क सम ऑफ द कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन इफ दे वुड शेयर सम ऑफ देयर लवली कलर्स विद हर। वो सोचती है, ठीक है, मैं गार्डन में जाऊँगी और ये जो प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं ना, इन सब से पूछूंगी क्या इनमें से कोई भी फ्लावर मुझे अपने कलर्स दे देगा ताकि मैं भी उनकी तरह कलरफुल बन जाऊं। मिनी इमीडिएटली फ्लू टू अ लवली रेड रोज एंड आस्क्ड द रोज, कैन यू शेयर सम ऑफ द ब्राइट रेड दैट यू हैव ऑन योर पेटल्स विद मी। वो रोज से कहती है, रोज क्या तुम अपनी पेटल्स, मतलब जो तुम्हारी पत्तियां हैं, इनमें से थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर मुझे भी दे दोगे,
ताकि मैं उसको अपने ऊपर ट्रैप कर लूं और मैं भी तुम्हारी तरह प्यारे और कलरफुल दिखने लग जाऊं। द रोज नॉडेड हर प्रिटी हेड। आई एम विलिंग टू गिव यू वन ऑफ माई फ्रेग्रेंट रेड पेटल, शी रिप्लाइड ग्रेशियसली, बट वट विल यू डू विद इट। अब रोज जो होता है वो नॉड नॉड करना, मतलब गर्दन को ऐसे हिलाना हमें, तो वो कहता है ठीक है मैं दे तो दूँ, बट ये बताओ तुम उस रेड कलर का करोगी क्या। वो बोलती हैं फिर मिनी, आई विल ड्रैप इट ओवर माई विंग, सेड मिनी प्राउडली, सो दैट इट लुक लाइक अ फाइन वेलवेट क्लॉक। आई एम टायर्ड ऑफ बींग अ प्लेन माउजी ब्राउन। अब वो कहती है अब जब तुम मुझे अगर अपना रेड पेटल्स दोगे ना, तो वो मैं अपने ऊपर ड्रैप कर लूँगी, यानी छिड़क लूँगी, और जिससे मैं भी ये जो माउसी ब्राउन, मतलब चूहे जैसा ब्राउन कलर है ना मेरा, इससे छुटकारा पाके कलरफुल बन जाऊँ तुम्हारी तरह ब्राइट रेड कलर में। शी विल बी सो एनवियस व्हेन शी सी माई रेड क्लॉक। और वो कहती है वो जो बेटर बेटी बटरफ्लाई थी ना, जिसने मुझे कहा कि मैं बदसूरत दिखती हूँ, वो भी फिर मुझसे एनवियस, मतलब ईर्ष्या करेगी जब मैं प्यारी सी रेड कलर की दिखूंगी। तो द रोज शुक हर हेड, योर क्लॉक विड नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, शी सेड टू मिनी मॉथ। वो कहता है ठीक है तुम मेरी पेटल ले लो, लेकिन जो इस पे से तुम रेड कलर अपने ऊपर ड्रैप करोगी वो ज़्यादा टाइम तक तो रहेगा नहीं, वो तो कुछ देर में ही फेड हो जाएगा, फेड मतलब हट जाएगा, और यू कैन से हल्का पड़ जाएगा। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए इसके लिए। फिर मिनी बैंड हर लिटिल हैड इन डिसअपॉइंटमेंट। अब ये सुनकर मिनी तो बहुत दुखी हो जाती है कि अरे मैंने जो सोचा था वो तो हो ही नहीं सकता, सो फाइनली व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूँ। तो फाइनली अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि आगे मिनी क्या करेगी। सो स्टूडेंट्स होप यू लाइक द वीडियो, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।